नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब में नशा सप्लाई देने जा रहे मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया गया। 5,000 नशीली गोलियां बरामद की। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जी हां, फतेहाबाद के रतिया पुलिस ने 5,000 नशीली गोलियों के साथ एक मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए रतिया थाना प्रभारी SHO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बाइक सवार आरोपी को रतिया हाड़ोली रोड पर नाकेबंदी के दौरान नागपुर पुलिस चौकी से रुकवाया गया। आरोपी के पास नशीला पदार्थ होने के शक में उसकी तलाशी ली गई। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5,000 ट्रामाडोल गोलियां बरामद की है, जो कि नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक मेडिकल संचालक है और पंजाब में यह नशीली गोलियां सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह नशीली गोलियां निवड़ी गांव के एक युवक से वो लेकर के आया था और पंजाब लेकर जा रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, जिससे इसके अन्य आरोपियों की भी तलाश की जाएगी। आप देख रहे हैं पल-पल की विशेष रिपोर्ट। पूरा मामला सर, ये दिनांक 23/7/2020 को समय करीब 4:30 बजे हमारे चौकी चार की टीम जो है नागपुर की टीम ने नाका लगाया हुआ था, तो वहाँ उनको सूचना मिली कि रतिया से हड़ोली रोड पर तामसपुरा जो चौक है वहाँ एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को जो पुलिस ने वहाँ चेक किया, चेक करने में उसके पास नशीला पदार्थ होने का शक की बिना पर जो वहाँ पर नायब तहसीलदार को बुलाया गया और पूरी तलाशी लेने पर उसके पास से 5,000 ट्रामाडोल की गोलियाँ जो है बरामद हुई हैं, जो कि NDPS में कवर्ड हैं, और उनसे एक मोटरसाइकिल, 5,000 ट्रामाडोल की टैबलेट्स जो है क्या कार्रवाई की गई है, उन्हें खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई व्यक्ति बिश्नोई हैं दूसरे आरोपी, उनसे निबड़ी गाँव के उनसे 5,000 गोलियाँ मिली। कहाँ देनी थी इसमें? ये पंजाब में सप्लाई करना था इन्होंने आगे, और इनका खुद का जो है आरोपी का मेडिकल स्टोर है। कहाँ है सर? कुलदीप मेडिकल के नाम से हड़ोली में इनका मेडिकल स्टोर है। तो पहले भी इस पर कोई मामला दर्ज या ऐसा NDPS का कोई है सर? पहले से इन पर NDPS रिलेटेड मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अब अगली कार्रवाई इनको माननीय न्यायालय में पेश करके और इनसे और आगामी उससे दूसरे मुलजिम की खिलाफ को निशानदेही करके।